श्रुति वोहरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव का एंड वक्त आ चुका है, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली की वो तमाम सीटें लगातार चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, दिल्ली की वो 7 सीटें और उन 7 सीटों में सबसे अधिक चर्चा में बनी हुई सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से कन्हैया कुमार, एक बार फिर से आपको बता दे, कन्हैया कुमार इस बार विपक्ष की ओर से चुनावी मैदान में है। मनोज तिवारी एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें, मनोज तिवारी एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर कहीं ना कहीं समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। हालांकि मनोज तिवारी लगातार अभी आगे चलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जो है इस बार जो विपक्ष की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, अब कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मनोज तिवारी लगातार सांसदी पर बने हुए हैं, एक लंबे समय से सांसदी पर हैं और उनके सामने इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है वो कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली की सीट पर ये एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला था। बाकी तमाम 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और इस बार मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं, आपको बता दें, मनोज तिवारी आगे चल रहे थे। और मनोज तिवारी आपको बता दें कि सिंगर है, भोजपुरी सिंगर है और मनोज तिवारी के चेहरे पर लगातार जनता ने जिस प्रकार से हाल ही में मतदान दिया, वहीं उनके सामने कन्हैया कुमार का चुनावी मैदान में होना, चुनावी मैदान में ताल ठोकना, कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को अब उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। वहीं मुद्दा यह उठता है कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी, क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इस बार दिल्ली की कमान आ पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहीं से कहीं तक भी सुपड़ा दिल्ली में अभी उजागर होता दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने भले विपक्ष के साथ गठबंधन कर रखा हो, लेकिन आपका कोई भी नेता इस वक्त, प्रत्याशी कोई भी इस वक्त आप देखें उनके पक्ष में वोट जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, यहाँ पर क्या मनोज तिवारी जीतेंगे या कन्हैया कुमार जीतेंगे, इस पर अभी भी आप देखें पेच फंसा हुआ है और अभी भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे और अब इस पर आपकी क्या, आपके क्या राय है, आपका क्या कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर क्या मनोज तिवारी पश्चिम लहराएंगे या फिर इस बार कन्हैया कुमार अपना हाथ लहराएंगे, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।